हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वंडरफुल ट्रिक ऑफ कंप्यूटर। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद तो आ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर एंड मोर वंडरफुल टिप्स ऑफ कंप्यूटर। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नॉर्मली हम लोग एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में टाइपिंग करते हैं। कभी हम फुल इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, कभी फुल हिंदी या फिर पंजाबी में। पर कभी कभी हमें मिक्स टाइपिंग करनी पड़ती है, मतलब कुछ इंग्लिश के वर्ड्स, कुछ पंजाबी के वर्ड्स या फिर कुछ हिंदी के वर्ड्स। उसके लिए हमें बार बार फोन चेंज करना पड़ता है, जिससे बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है, और आजकल टाइम ही किसी के पास नहीं है। तो इसके लिए आज हम कुछ शॉर्टकट यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने वो एप्लीकेशन खोलनी है जिसमें आपने टाइपिंग करनी है। जैसे मैंने एमएस वर्ड में करनी है तो मैंने एमएस वर्ड को खोल के रखा है। उसके बाद ऑफिस बटन पर जाकर वर्ड ऑप्शंस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी, शो डेवलपर टैब इन द रिबन। उस पर क्लिक कीजिए, फिर ओके पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डेवलपर टैब दिखाई देगा। यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपने मैक्रो का नाम देना है। सपोज मैंने हिंदी टाइपिंग के लिए करना है तो यहाँ पर हिंदी नाम दिया। उसके नीचे आपको दो बटन दिखाई देंगे, एक बटन और एक कीबोर्ड। कीबोर्ड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपने हिंदी फॉन्ट के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करनी है वो देनी है। जैसे सपोज मैंने कंट्रोल और वन दे दिया, उसके बाद असाइन, फिर क्लोज। अब आपने क्या करना है, फॉन्ट को चेंज करना है। होम पर जाकर यहाँ से हिंदी फॉन्ट, अनमोल हिंदी, एंटर। उसके बाद डेवलपर जाकर, फिर स्टॉप मैक्रो। उसके बाद दोबारा कोई किसी और फॉन्ट के लिए डेवलपर रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। यहाँ से किसी और फॉन्ट का नाम, सपोज इंग्लिश करना है, देन कीबोर्ड, उसके बाद इंग्लिश के लिए शॉर्टकट की, सपोज मैंने दे दिया कंट्रोल टू, फिर असाइन, क्लोज। यहाँ से फिर फॉन्ट चेंज करेंगे। इंग्लिश का फॉन्ट सपोज मैं एरियल ले रही हूँ, एंटर। उसके बाद फिर डेवलपर पर जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग, देन अगेन रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ से हम पंजाबी का फॉन्ट दे देंगे। यहाँ पे कीबोर्ड पर क्लिक करना है फिर से, और यहाँ से कंट्रोल थ्री, असाइन, क्लोज। उसके बाद फिर फॉन्ट चेंज करेंगे, अनमोल लिपि। आप जिस फॉन्ट में काम करना चाहते हैं वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर। उसके बाद डेवलपर पर जाकर फिर से स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब हमारे तीन फॉन्ट सेट हो चुके हैं। आपने ये सेटिंग सिर्फ एक बार करनी है। जब आप एक बार ये सेटिंग कर लोगे तो आप कभी भी फॉन्ट शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हो। सपोज मैंने ये एक लाइन टाइप करनी है जिसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और पंजाबी भी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, तो जैसे कि मैंने इंग्लिश टाइपिंग के लिए फॉन्ट का शॉर्टकट कंट्रोल टू किया था, तो पहले मैं कंट्रोल टू को प्रेस करूँगी, देन इंग्लिश टाइपिंग, उसके बाद कंट्रोल थ्री फॉर पंजाबी, एंड देन कंट्रोल वन फॉर हिंदी। है ना फॉन्ट चेंज करने का एक सिंपल एंड क्विक वे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ न्यू वंडरफुल ट्रिक ऑफ कंप्यूटर्स। थैंक यू।